क्वेश्चन कैसा है देख लीजिए, आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 3 डी और वाला क्वेश्चन है, और इसमें भी SFD एंड BMD कैलकुलेट करना है। SFD और BMD, और कैसा है फिगर? यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर ही ड्रॉ करेंगे, इम्पोर्टेंट तो वही है। ओवर हैंगिंग है, बोथ साइड ओवर हैंगिंग है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ए नाम रख दो, यहाँ पे बी नाम रख दो। बीच में भी दो लोड लगे हुए हैं, एक 50 किलो न्यूटन का और एक 40 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ये UDL है, और UDL कितना है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। एक लास्ट में भी लोड लगा हुआ है, 10 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसका नाम सी रख दो, इसका डी, इसका ई, इसका एफ नाम रख दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे। रिएक्शन कैलकुलेशन, ठीक है। अब रिएक्शन कैलकुलेशन में आपको पता है कि हॉरिजेंटल कोई नहीं है, तो वर्टिकल इक्वल टू 0। अब वर्टिकल में जो अपवर्ड वाले हैं, एक साइड प्लस कर दो, यहाँ पे आर ए आ गया और यहाँ पे आर बी आ गया। ठीक है, डायमेंशन तो लिखा नहीं, डायमेंशन भी लिख देते हैं। सबके बीच में 1-1 मीटर है, सबके बीच में 1-1 मीटर दे दिया है, ऐसे दे दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, इधर नीचे डायरेक्शन में लोड देखो, ये 10 है, ये 40 है, फिर ये 50 है, फिर ये UDL वाला 20 × 1 करेंगे तो 20 आ गया। सबको ऐड कर दो तो आर ए प्लस आर बी कितना हो गया? देखिए ये 50 है, 50 100 100 120 आ गया। इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब मोमेंट को लेंगे, अगर मोमेंट को लेते हैं, मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, तो ए पर मोमेंट ले रहे हैं तो आर ए इक्वल टू तो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? जो क्लॉकवाइज आ रहा है, जो भी क्लॉकवाइज आ रहा है, एक साइड में ले लेंगे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज को इस तरफ ले लेते हैं इधर, तो एक तो आर बी इंटू कितना डिस्टेंस है यहाँ पे ए तक का, देखिए 1 2 3 3 आ गया। फिर एंटी क्लॉकवाइज में ये भी आ रहा है, देखिए ये आ रहा है कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको इधर प्लस कर देंगे, क्या हो रहा है 20 × 1 × 1.5 इक्वल टू, क्लॉकवाइज को एक साइड में लिख लेंगे, क्लॉकवाइज को एक साइड में लिखेंगे तो क्लॉकवाइज का एक तो ये 50 × 1 प्लस ये 40 × 2 और ये प्लस 10 × 4, ये चीज़ आ गई। कर लेंगे इसको, देखिए ये तो आर बी इंटू 3 ही है, और इसको जब करेंगे तो 20 × 1 × 0.5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 50, ये 80 और ये 40, इन दोनों को ऐड कर लो, इसमें से इसको सॉल्व करो, डिवाइड करो। ठीक है, देखिए इनको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 50 + 80 + 40 जो वैल्यू आ रही है उसमें से ये 10 माइनस कर देंगे, -10, और फिर ये 3 डिवाइड कर देंगे तो आर बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है मेरी 53.33, ये किलो न्यूटन आ गए। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आर ए की वैल्यू जो ये 120 आया उसमें से आर बी की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 120 - 53.33। तो ये करने पे आर ए की वैल्यू कितनी आ जा रही है, आर ए की वैल्यू देखेंगे तो मैंने क्या किया, 120 माइनस आंसर कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई 66.666, मतलब 67 कर लो, सीधा मीनिंग है। ठीक है, किलो न्यूटन हो गया, तो ये तो दोनों मिल गए। अब आ जाता है मेरा SF कैलकुलेशन, फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। SF कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको कैसे जाओगे इसको, स्टार्टिंग टू एंड से जाओगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो पहले SF at C, सी पे क्या है, SF at अगर C देखोगे तो वहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, वहाँ पे 0 है। फिर SF at A left जाओगे, SF at A left, तो लेफ्ट में देखोगे तो कितना है, और नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ माइनस लेते हैं, तो -20 × 1 करोगे तो ये लोड आ गया। ठीक है, इतना ही आ रहा है, -20, सीधी बात है कि -20 × इसी तरीके से आएगा ना, -20 किलो न्यूटन आ गया। फिर SF at A देखोगे तो ए साइड में ये पहले -20 तो है ही है, प्लस ऊपर की तरफ प्लस है, आर ए की वैल्यू आई है 66.66, ऐसे करके। तो इसमें से अगर -20 माइनस किया तो ये कितना जा रहा है, 46.66666 आ रहा है,
किलो न्यूटन, वो भी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में आया। फिर एस एफ एट टी लेफ्ट, एस एफ एट डी लेफ्ट कोई लोड नहीं है तो इतना ही आ जाएगा 46.66 किलो न्यूटन, और कोई तो है नहीं। फिर एस एफ एट डी आएगा, एस एफ एट डी मतलब इतना तो था ही, और नीचे की तरफ आ रहा है 50 का, तो माइनस कर दिया। और इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस 50 अगर करता हूँ तो आपकी वैल्यू आ रही है -3.333 आएगा किलो न्यूटन आ गया डी पे। ठीक है, डी लेफ्ट तक इतना आया था, फिर बाद में डी पे इतना आ गया, माइनस में आ गया। फिर एस एफ एट ई लेफ्ट करेंगे तो कोई लोड है नहीं तो वही आ जाएगा -3.33 किलो न्यूटन। और फिर एस एफ एट एल करेंगे, सॉरी एल बोल रहा हूँ, ई एस एफ एट ई, ये तो लेफ्ट था तो एस एफ एट ई में ये -3.33 था ही, और उसमें और माइनस कर देंगे 40, क्योंकि 40 है। आप अगर फिगर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिगर देखना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कितना आ गए, -43.3333 आएगा किलो न्यूटन। फिर एस एफ एट बी लेफ्ट इतना ही आ जाएगा, -43.33 किलो न्यूटन। और उसके बाद एस एफ एट बी आएगा, और बी पे ये -43.33 है, और ऊपर की तरफ रिएक्शन वाला जो लग रहा है प्लस कितना था बी पे जो आया था, आर बी की वैल्यू 53.333 था, तो इसमें से इसको माइनस कर देगा तो सिर्फ 10 आ जाएगा, वो भी प्लस में 10 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, और फिर एस एफ एट डायरेक्ट ई ले लोगे, ठीक है, एस एफ एट डी, क्योंकि एस एफ उसके पहले इतना था, एस एफ एट ई लेफ्ट ले लो तो वो तो इतना ही आ जाएगा 10 किलो न्यूटन, लेकिन एस एफ एट ई ले लोगे तो ये 10 है और -10 लोड लग रहा है तो 0 किलो न्यूटन आ जाएगा ई तक। ठीक है, तो ये एस एफ कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद मैं बी एम कैलकुलेशन करा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बी एम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से एस एफ डी बी एम डी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप आसानी से कर सकते हो, बार बार कर, जो प्रैक्टिस किया होगा ना उसको, उसके लिए यह आसान होगा। बी एम कैलकुलेशन, अब बी एम में आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट वाला क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो एम सी ले लो, एम एफ ले लो, एफ है इक्वल टू जीरो, ये दोनों तो जीरो हो गए। फिर एम ए अगर ले रहे हो तो एम ए में अगर ध्यान से समझोगे, क्योंकि लॉजिक हमेशा ये ध्यान रखने का, कोई भी मोमेंट लेते हो ना तो उसका ये वाला लॉजिक याद रखना, ये सिर्फ याद रखना। तो हम क्या ले रहे हैं, देखो अगर सेक्शन में देखोगे तो जो ए पर ले रहा हूँ मैं उसका किस तरफ ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, तो उसका एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वही पॉजिटिव होगा, ये सॉरी क्लॉकवाइज जो होगा वही पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या लॉजिक आ रहा है आपके सामने, जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में अगर देखोगे यहाँ पे, तो मैं ये ले रहा हूँ, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये निगेटिव होगा, सीधी बात है। तो कितना हो रहा है, -20 × 1 × 1 0.5, तो आ रहा कितना, -10 आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, माइनस में आ गया, ए हो गया। फिर बाद में अगर मैं बी निकालता तो उसमें कैसे जा रहा है, अगर अगर देखो क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस है, इसमें देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज प्लस है, तो उसमें जा क्या रहा है क्लॉकवाइज, तो इसलिए माइनस ले रहे हैं, 1 है तो -10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, दोनों में यही आ रहा है, एम बी आ गया। अब डी पे आ जाते हैं, डी देखिए यहाँ पर, डी का भी मैं लेफ्ट का ही ले ले रहा हूँ, डी का लेफ्ट ले ले रहा हूँ, ई का मैं राइट ले लूँगा। डी का अगर लेफ्ट लेता हूँ तो लेफ्ट में कौन कौन सा है, एक तो ये है कि -20 × डिस्टेंस कितना हो रहा है 1, तो ये लोड हुआ और लोड का डिस्टेंस उसके हाफ से 1.5 ही होगा, उसके 1.5 होगा डिस्टेंस, कैसे हो रहा है देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये किया आपने, हमको यहाँ का चाहिए, तो ये -20 × 1 किया तो ये लोड हुआ, इसके हाफ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ना, डी पे चाहिए ना मुझे, तो हाफ से 1. ये 1 है और ये यहाँ का 5.5, तो ये 1.5 हो जाएगा, तो ये लॉजिक भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद से एक और है तो वो प्लस में होगा, क्योंकि वो कैसे जा रहा है, डायरेक्ट क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो ये ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 66.66 या 67 ले लो,
और इनटू वन होगा, यही आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ये देखिए, ये इसका करते हैं अगर 20 इंटू 1.5 करते हैं तो 30 आ जाएगा, और 30 इसका आ रहा -30, और इसका क्या आएगा 66, वन ही है ना, तो 66.67 करोगे तो ये 36 प्लस में आ जाएगा। 36.67 क्या आ गया, किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एम डी के बाद ई, ई अगर निकाल रहा हूँ मैं एम ई, उसको मैं उस तरफ से ले लेता हूँ, इस तरफ ले लेता हूँ, इस तरफ का, तो इसका क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ये पता है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो ई पर देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ रहा है और ये क्लॉकवाइज निगेटिव आ जाएगा, तो ये आर बी इंटू वन और ये 10 × 2 आ जाएगा। ठीक, तो आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी की वैल्यू आया था मेरा 53.33 × 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये -10 × 2 हो जाएगा, तो ये 20 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, 20 इसमें से माइनस कर रहे तो कितना आ रहा है 33.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा मुझे सब वैल्यू, सब जगह का वैल्यू को मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं हमको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। पहले तो डायग्राम मैं ये बना लेता हूँ, एक हमारा यहाँ पर सपोर्ट था, एक हमारा यहाँ पे, इसको ए मैंने माना था, इसको बी। ठीक है, यहाँ पे दो सब लोड हैं, यहाँ पर यूडीएल था एक, यहाँ पे, यहाँ पर 10 kN, और ये जो लोड थे ये 50 kN का था, ये 40 kN का था, और ये 20 kN/m का था, सब में 1 m है। सी रखा था इसका बी, यहाँ सी, यहाँ पर डी, यहाँ पे ई, इसका नाम एफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो डैश डैश लाइन बना दोगे ना, थोड़ा नीचे तक भी मैं बना देता हूँ कि ताकि मेरे लिए आसान हो सके। डैश डैश लाइन बना लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एकदम नीचे तक बना लेने का। मैं इसीलिए तो बना दे रहा हूँ कि एस एफ और बी एम मुझे लिखना आसान हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने एस एफ का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कर दिया है, तो यहाँ पर पहले नीचे था 80, एस एफ कैलकुलेशन में देखोगे तो पहले यहाँ पर 0, फिर ए तक लेफ्ट तक अगर ले रहे हो, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 है और लेफ्ट तक आया था 20, मतलब यहाँ पर 20, और यूडीएल था, कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरीके का है। फिर उसके बाद से ए पर, यहाँ तो ये तो -20 kN/m आ गया, फिर ए पर ऐड किए तो यहाँ पर आ गया 46 तक, सीधा आ गया, ये यहाँ आ गया 46.66 kN आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वही सेम था, क्योंकि कोई, देखिए कोई लोड नहीं है तो यहाँ पर इतना ही आएगा। फिर नीचे की तरफ आया है तो -3 तक हो रहा है, ऐसे पर डी तक जा रहे हैं तो माइनस यहाँ तक आ जाएगा, ये मेरा बन गया 3.33 kN/m हो गया। फिर इसके बाद यहाँ तक भी कोई लोड नहीं है, फिर इसमें नीचे है तो नीचे और ऐड किए तो 40 और इधर ऐड करेंगे तो और नीचे आएगा, यहाँ पे हो गया 43.33 kN। फिर इसके बीच में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ गया, फिर ऊपर गया है ऐसे पर बी, 53 ऐड किए तो सीधा आ गया बी पर 10 आ गया, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर 10 आ रहा होगा तो ये आ गया 10, फिर यहाँ तक कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर आगे 0 हो गया, यह भी 10 kN/m था। इस तरीके से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस आ गया। इस तरीके से आपका एस एफ डी डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखना कि ये कैसा है, अच्छा अच्छा एस एफ डी है ना, तो ये सीधा आएगा, ध्यान रखना ये एस एफ डी में तो ये सीधा आएगा। ठीक है, मतलब सी स्ट्रेट लाइन होगा, ये चीज़ें ध्यान रखें, इंक्लाइंड होगा, यूडीएल के लिए इंक्लाइंड होगा। अब बी एम के लिए कर लेते हैं, बी एम के लिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, बी एम डी के लिए ये एस एफ डी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी एम कैलकुलेशन जो किए थे यहाँ पर लास्ट में और यहाँ पर तो 0 है। ठीक है, उसके बाद से ए पर जो मैंने किया था, ए पर आया था -10 और यूडीएल था तो कर्व जैसा बनेगा, ध्यान रखना यहाँ पे -10 kN/m, ये सब किलो न्यूटन में था, हाँ मैंने मीटर लगा दिया था गलती से, ये आ गया। और यहाँ पर भी आया था माइनस बी, ना बी पे भी -10 kN ही आया था, तो लेकिन ये सीधा आएगा क्योंकि यहाँ पर
कोई लोड नहीं है, यहाँ भले ही कर बना है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर, यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस पर जो मोमेंट आया था, ये जो कहाँ पर मैं बता रहा था, डी पे और ई पे, तो डी पर देखेंगे तो कितना आया था, 36.67। तो मान लीजिए यहाँ पर 36.67 है, तो ये सीधा ऐसे जाएगा, इंक्लाइंड जाएगा, 36.67 आ जाएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर। और एक का आया था 33.33 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो इसका भी ये सीधा मिला देंगे। देखिए इसको सीधा मिलाइए, सीधी लाइन है, आर्क नहीं है। अब फिर उसके बाद, अब इसके बीच में, अब इसके बीच में क्या है, मतलब कुछ बीच में से निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर इसके बीच में भी मूवमेंट तो निकालना पड़ेगा। तो इसे बीच में मूवमेंट कैसे निकालेंगे, कहीं पर भी मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो सीधी बात है कि इसके बीच में यहाँ का मूवमेंट है, यहाँ का ये मिला दोगे, इसी तरीके का मूवमेंट जनरेट होगा। इसको इससे मिला दिए तो इसी तरीके का मूवमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे ये वैल्यू इसी तरीके से आएगी। तो ये इस तरीके से आपका बीएमडी भी बन गया, ये बीएमडी बन गया, ये एसएफडी बन गया, इस तरीके से आपका डायग्राम बन के आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर यूडीएल होता, यहाँ पर अगर बीच में यूडीएल होता तो इसका बीच में यूडीएल होता तो यहाँ बीच में मैक्सिमम होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइन चेंज कर रहा था एसएफ का, यहाँ पे साइन चेंज कर रहा था, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है। तो देख सकते हैं इन दोनों जगहों पे मैक्सिमम आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक के हिसाब से इस तरीके से हमारा बीएमडी डायग्राम हो गया। तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये दोनों निगेटिव आएंगे, इस तरीके का आपका डायग्राम बन गया। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।